नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टाइफाइड की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है और खराब स्वच्छता और स्वच्छता वाले क्षेत्रों में आम है। टाइफाइड बुखार के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए। लक्षण: टाइफाइड बुखार के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और संक्रमण के बाद प्रकट होने में 6 से 30 दिनों तक का समय लग सकता है। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं: तेज बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस तक, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, पेट में दर्द, दस्त या कब्ज, भूख में कमी, छाती और पेट पर गुलाबी रंग के धब्बे। इलाज: यदि आपको संदेह है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को टाइफाइड बुखार है तो तुरंत चिकित्सा की तलाश करना महत्वपूर्ण है। टाइफाइड बुखार का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है जो बीमारी की गंभीरता और अवधि को कम करने में मदद कर सकता है। गंभीर मामलों में जटिलताओं को रोकने के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है। एहतियात: टाइफाइड बुखार के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता और साफ सफाई का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ युक्तियाँ हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, खासकर खाना खाने या तैयार करने से पहले। केवल बोतलबंद या उबला हुआ पानी पिएं, या वह पानी जिसे क्लोरीन या आयोडीन से उपचारित किया गया हो। कच्चा या अधपका खाना खाने से बचें, खासकर मांस और समुद्री भोजन। स्ट्रीट फूड और अन्य खाद्य पदार्थों से बचें जो दूषित पानी या सतहों के संपर्क में आ सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है तो अपने डॉक्टर से टीका लगवाने के बारे में बात करें। टीके: टाइफाइड बुखार को रोकने में मदद के लिए दो प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। निष्क्रिय टाइफाइड टीका: ये टीका एक शॉट के रूप में दिया जाता है और उन लोगों के लिए सिफारिश की जाती है जो उन क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है। लाइव ओरल टाइफाइड वैक्सीन: ये टीका एक गोली के रूप में दिया जाता है और उन लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है जो उन क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है और जो लंबे समय तक रहेंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि ये टीके टाइफाइड बुखार को रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे 100% प्रभावी नहीं हैं, इसलिए बीमार होने से बचने के लिए सावधानी बरतना अभी भी महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, टाइफाइड बुखार एक जीवाणु संक्रमण है जो हल्के से लेकर गंभीर तक कई प्रकार के लक्षण पैदा कर सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपको या आपके किसी जानने वाले को टाइफाइड बुखार है तो तुरंत चिकित्सा की तलाश करें। टाइफाइड बुखार के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता और साफ सफाई का अभ्यास करें, और यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है तो टीका लगवाने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।